लौकी गोश बनाने के लिए सबसे हमें पहले हमें लौकी को फ्राई करना है, और उसके लिए मैं एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के लौकी को फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। और जब मेरी लौकी थोड़ी डार्क ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसको निकाल लूँगी और सालन में शामिल करूँगी। इससे सालन बहुत लजीज बनता है। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के सबसे पहले इसमें मैं गर्म मसाला डाली, जिसमें कि थोड़ा सा जीरा, 2-3 लौंगे और काली मिर्चें हैं। मैं आधा किलो लौकी बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने आधा किलो ही गोश्त शामिल करूँगी। जब हमारा जो गरम मसाला है वो कड़क जाएगा तो हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक हल्का पकाएंगे। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। मेरे पास ताज़ा टमाटर नहीं है, मेरे पास फ्रोज़न टमाटर है। आप चाहें तो पिसे टमाटर का पेस्ट या फिर अपने ताज़ा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मेरी प्याज ब्राउन हो गई है हल्की सी, इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ और टमाटरों का पानी जो है वो खुशक करूँगी हल्का सा। और दूसरी तरफ मैं अपनी लौकी को भी थोड़ी थोड़ी देर में फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला अपने मसाले डाल रही हूँ, जिसमें कि लाल मिर्च, हल्दी, हरा धनिया पिसा हुआ, जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल है, वो मैंने साथ ही डाल दिया ताकि वो अच्छे तरीके से सालन में शामिल हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 भरकर चम्मच है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और नमक डाल दूंगी अभी ही, ताकि नमक जो है वो अच्छे से मसालों के साथ फ्लेवर पकड़ ले। और हल्की आंच पे इसको दम लगाऊंगी ताकि थोड़े से मसाले आपस में मैरिनेट हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना गोश्त। मैं मुर्गी का गोश्त यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में अपना मसाला जो है चला भी रही हूँ ताकि वो लगे नहीं, और साथ ही अपनी लौकी भी चला रही हूँ क्योंकि हमें जलानी नहीं है, फ्राई करनी है। तो अगर उसको बार बार चलाते रहेंगे तो अच्छी तरीके से चारों तरफ से जो है वो फ्राई हो जाएंगी। यहाँ पर मसाले ने जो है वो तेल अलग कर दिया है, मसाला अलग हो गया। अब इसमें मेरी लौकी भी डार्क फ्राई हो गई थी तो वो मैंने शामिल कर दिया, और साथ में अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये हल्की सी मैं सरसरी बनाऊँगी, यानी थोड़ा सा शोरबे वाली लौकी बनाऊँगी। इनको हम ब्राउन राइस के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। एंजॉय, थैंक यू।